वैसे मुझे तो जमात इस्लामी पसंद है जिसको भी वोट दो वही वो खाता है जो बेड़ता है वही खाता है, मेरे तो, मेरे तो कहना यही है। पता चल जाएगा, जाएगा किसको देना है।, है खुद ही समझ जाएंगी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम मोहम्मद है और आप देख रहे हैं कैपिटल कराची जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दिन करीब है तो आए लोगों से बात करते हैं किसको वोट देना चाहते हैं बस पीटीआई को देना चाहते हैं खास वजह कुछ नहीं है बस एक यंग जनरेशन सारी पीटीआई को वोट दे रही है सोशल सब चीज़ें चल रही है पीटीआई पे क्या बताया वैसे मुझे तो जमात इस्लामी पसंद है अपने एतबार से इस्लामी नज़रिया सारा कुछ है तो ये अच्छा है देखिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो आप किस को वोट देंगे हमारा तो एक ही बंद है इमरान खान इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान के बारे में बस क्या कहेटली नॉट बाकी कुछ नहीं कह सकते शेयर को वोट तो लगता है कि वो काम करते हैं और काम करेंगे क्योंकि उसके जब दौर आया था ना नवाज़ शरीफ का तो पहले एल गैस जो थी एक सौ अस्सी थी जब उसका दौर आया तो अस्सी रुपये हो गई सौ रुपये डायरेक्ट कम हो गए थे और उसके दौर में आप ये पुल दिखा सकते हो ये उसी ने इसका आगाज किया था और आज जो है इस पर ग्रीन बसें चल रही है अच्छा तो आप लोग समझते हैं कि उसके बाद करप्शन से पाक हो जाएगा कराची या पाकिस्तान इन हो जाएगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसको देखता आ रहा हूँ फॉलो करता नवाज शरीफ उसके काम मेरे को बहुत पसंद आते। अरे भैया वोट, वोट तो नहीं दे रहे किसी को भी। फिर भी क्या रखते हैं माशापूर लग रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि वोट क्यों नहीं देना चाहिए वोट किस वजह से देंगे इन्होंने जो हमारे मुल्क का हाल किया है जो दो हुक्मरान जमाते हैं हमारे बारियाँ लेने वाले बार बार वो इस मुल्क का इस शहर का क्या हाल किया है हम क्यों वोट दें भाई तो जैसे मुल्क की सूरत हाल है अभी बारिश हुई है कुछ दिन पहले तो आप क्या समझते हैं कौन फील्ड पे कौन काम कर रहा था कौन सी पार्टी नजर आई आपको आधे घंटे बारिश ने पूरे इनके जो ना पोल खोल के रख दिए जो इनकी कारकर्दगी थी, थी ना वो सामने आ गई खुलकर अब भी आप वोट की बात कर रहे हैं तो वोट वोट तो नहीं देंगे किसी को भी फिर भी कोई एक पार्टी का नाम तो बताएं माशा पढ़े लिखे हैं आप देखिए ये ये हक तो जो है किसी भी इलेक्शन कमीशन नहीं रखता आप कैसे रखते हैं कि कि ये पूछें कि वोट किसको देंगे पता चल जाएगा को जिस दिन हम इलेक्शन वाले पोलिंग डे पे पता चल जाएगा किसको देना है समझदार है खुद ही समझ किसको देना चाह रहे हैं हम भाई जान बड़े एग्रेसिव अंदाज में तो मैं तो समझ चुका हूँ आप समझें या ना समझें एक और नौजवान दोस्त उनसे बात करते हैं हाँ भाई किसको वोट देना चाहिए वोट किसको दे भाई जिसको वोट देते कराची के लिए कौन क्या करता है कुछ भी नहीं होता है सड़कें देखो ऐसी ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी हमारा इलाका ही देखो आयशा मंजिल रहमानाबाद फिटल भी एरिया अभी ये कितने सालों से मेरे बाप दादा रह रहे हैं सही है मैं यहाँ से जवान हो गई हूँ यहाँ पर दाढ़ी मूछे निकली है वे इलाका तोड़ ले किसको दे मेरे तो अंदाजे से भाई वोट तो किसी को भी नहीं दो कोई तो एक पार्टी होगी जिसको वोट देना चाहोगे जिसको जिसको भी वोट दो वही खाता है जो बैठता है वही खाता है भाई मेरे तो मेरे तो कहना यही है जो सीट पे बैठते हैं वही अपना ही सोचता है कराची का कोई नहीं सोचता है यहाँ पे भी लोग है एम के तो सोचती है ना अभी मैं क्या बोलूँ यार मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कोई